हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय माता दी। मैं माही रेंज वैली और आप देख रहे हैं। सबसे पहले तो आप सभी को हनुमान जन्म उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि हम लोग इस दिन देखिए हनुमान जी की शोभा यात्रा, ध्वज यात्रा निकाल रहे हैं, तो जिसमें हमारा सर्वशक्ति और ब्राह्मण महिला मंडल दोनों एक साथ होकर शोभा यात्रा, ध्वज यात्रा निकालने के लिए निकले हुए हैं। और हमारी सीता माता, हमारे ग्रुप के ही मेंबर्स के बच्चे राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी बने हुए हैं। तो आप सभी को हनुमान जन्म उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब आप देख रहे हैं कि सभी यहां पर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। और ये सभी जो आयोजन है, श्री सुखन अखाड़े उस्ताद सुखन चौक के से शुरू हुआ है। जो आयोजक हैं वह अखाड़े हैं के लोग हैं, जिनके द्वारा ध्वज यात्रा और शोभा यात्रा निकाली जा रही है। तो आप देख रहे हैं सभी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, जय श्री राम। और इनके पीछे अब हमारे सर्वशक्ति और ब्राह्मण महिला मंडल की रथ लगा हुआ है, जिसमें राम, सीता, हनुमान जी हैं। और ये ब्राह्मण महिला मंडल और सर्वशक्ति और ये देखिए मंजू दीदी, रोशनी, सभी सिमरन, रिधिमा श्री राम जी का ध्वज लहराते हुए एक बार जयकारा लगाएंगे, जय जय श्री राम। और अब हम लोग देखें, सुखन अखाड़े से हमारी शोभा यात्रा शुरू हुई थी और जो कि समाप्त होनी थी दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर कमानिया गेट में, तो हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और यहाँ से अब जो हमारे बच्चे बने हुए थे राम सीता, उनको उतारना है रथ से, ताकि उनका मंदिर के अंदर पूजा पाठ हो सके, क्योंकि आरती होती है। तो अब मैं बच्चों को ढूंढते हुए, ये देखें। और एक और बात मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी कि हमारा सर्वशक्ति जो वुमेंस पावर ग्रुप है, पहली बार जब किसी शोभा यात्रा में हम लोग का जाना जो शुरू हुआ था वो श्री राम भक्त जी की शोभा यात्रा से ही शुरू हुआ था हमारा। तो इसके लिए मैं अखाड़े वालों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, जिनके वजह से हमारे ग्रुप की महिला मंडल बाहर निकली और किसी शोभा यात्रा जैसे ध्वज यात्रा में शामिल होने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि आज तक इससे पहले हम लोग किसी भी शोभा यात्रा या ध्वज यात्रा में नहीं जाते थे। अखाड़े से ही हमको आया हुआ था निमंत्रण कि आप लोग हमारे साथ में शोभा यात्रा में हमारे साथ चलिए, तो तभी से हमारी शोभा यात्रा में जाना महिला मंडल का शुरू हुआ है। और अब आप देख सकते हैं कि देखिए आरती हो रही है, ये हनुमान जी विराजमान हैं, जय श्री राम, इनकी महाआरती हो रही है। और यहाँ हमारे राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी जो बने हैं, और आज हम लोग देखिए, मैं पहले के वीडियो आपको नहीं दिखा पाई हूँ, लेकिन अब हम लोग पूरी ध्वज यात्रा करके श्री राम भक्त जी का अब हम लोग घर लौट रहे हैं। और आप देख सकते हैं मेरे साथ सीता माता, श्री राम भक्त जी, लक्ष्मण और राम जी हमारे साथ आ रहे हैं, क्योंकि डीजे और वीडियो आवाज के कारण मैं एक भी वीडियो नहीं बना पाई थी, और जितनी भी वीडियो बस ये है, तो आप देख ही रहे हैं ये सीता माता आगे आगे, ये कौन है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। जो कुछ भी वीडियो मेरा बना होगा मैं आपको थोड़ा थोड़ा जरूर दिखाऊंगी, लेकिन सभी से अनुरोध है प्लीज सपोर्ट करिए और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट तो जरूर ही करिए, आप लोग की वजह से ही वीडियो चल पा रहा है हमारा और ब्लॉग भी।
तो अगर आप लोग करते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मीहू एक बार बोल दो जय जय श्री राम। ये देखा मैं, ये मीहू बनी है पीता माता। अभी कल गिफ्ट वितरण भी होगा तो कल कल मिलते हैं। तो जय श्री राम, राधे राधे, जय माता दी। राधे राधे, जय माता दी। मैं माही वीरेन तिवारी और जय सियाराम। सबसे पहले आप सभी को हनुमान जन्म उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप देख सकते हैं सुखन अखाड़े में आज कन्या पूजन कार्यक्रम रखा गया। अभी और बच्चियां आ रही हैं और ये है अखाड़ा। और अब आप देख सकते हैं हम लोग कन्या पूजन कराते हुए ममता तोमर, मंजू शर्मा दीदी, सविता रचौरिया।